अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी जो आपकी स्किन से ओपन पोर्स को काफ़ी हद तक कम कर देगी और इसके साथ साथ आपकी स्किन पर जो मौजूद व्हाइट हेड्स होते हैं उन सबको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच रहे। तो आज की जो हमारी रेमेडी वो बहुत ही आसान सिंपल सी है और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको अपने फेस से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाने वाला है, क्योंकि इससे आपके एक दो ओपन पोर्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और इसके साथ साथ जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हमारे चिक्स पर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, तो वो भी कम हो जाएंगे। तो ये रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रेमेडी है इसको आपने वीक में 3 to 4 टाइम तो लाजमी करना ही करना है, इससे अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट और बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं। तो वरना कोई भी रेमेडी आप जितनी भी बार इस्तेमाल कर लें, जब तक आप रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे तो वो रेमेडी आपको कोई भी फर्क नहीं पता चलेगा। तो आपने इसको एक बार के यूज़ से ही आपको बेहतर रिजल्ट इसके अंदर नज़र आएगा, मतलब फ़र्क नज़र आएगा। रिज़ल्ट तो तभी मिलेगा ना जब आप 3-4 बार यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए है जी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे बहुत हैं अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो। मुल्तानी मिट्टी हमारी फेस से रिंकल्स को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है, हमारे ओपन अप पोर्स को कम कर देती है और इसके साथ हमारी स्किन को टाइट भी कर देती है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट। योगर्ट हमारी स्किन को नरिश करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है और इसके साथ साथ ये हमारी स्किन पर मौजूद जो डेड स्किन होती है उसको भी रिड्यूस करके हमारे वाइट हेड्स को बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है जी लेमन। लेमन के आपने 3 से 4 कपड़े यूज़ करने हैं, ज़्यादा लेमन यूज़ नहीं करना वरना वो आपकी स्किन पर कोई भी बुरा असर डाल सकते हैं, इसलिए आपने एहतियात से लेमन के 3 से 4 कपड़े डाल लेने हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होती है ये हमारी स्किन को डीपली नरिश और हाइड्रेट करती है और इसके साथ साथ जो हमने अभी लेमन डाला था उसके साइड इफेक्ट से भी हमने बचा के उसके सिर्फ फ़ायदे हमारी स्किन को पहुँचाती हैं। तो आपने इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। इससे एक तो आपके ओपन पोर्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे एक दफ़ा के लिए और उसके बाद जो आपकी स्किन में वाइट हेड्स होंगे वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको अपनी स्किन पर ओपन पोर्स ज़्यादा नज़र आएंगे एक दफ़ा के इस्तेमाल से, क्योंकि हो सकता है कि हमारी स्किन में जो काफ़ी ज़्यादा वाइट हेड्स फंसे हुए होते हैं तो जब वो निकल जाएंगे तो फिर हमारी स्किन पर ओपन पोर्स ज़्यादा नज़र आएंगे। तो जब आप 2-3 बार मुसलसल यूज़ करेंगे तो इसके बाद ये हमारी स्किन से जब ओपन पोर्स को निकाल देगा तो फिर ये हमारी स्किन के ओपन पोर्स को श्रिंक करने में लग जाएगा। तो आपने इस रेमेडी को 2 से 3 बार वीक में ज़रूर ट्राई करना है, इससे आपकी स्किन डीपली हाइड्रेट भी हो जाएगी, नरिश भी हो जाएगी और इसके साथ ही ये आपकी स्किन से ओपन पोर्स को कम कर देगा और आपके वाइट हेड्स को भी रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इस रेमेडी को अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो फिर आपने इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद अपने फेस पर कोई भी और मतलब फेस टोनर कोई भी अच्छा सा मतलब रोज वाटर यूज़ कर लेना है या फिर एलोवेरा जेल आपने ज़रूर अपने फेस पर लगा लेनी है ताकि लेमन से किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नज़र ना मिले बल्कि उसके फ़ायदे मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी ये जो पेस्ट है ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो इसको आपने उतार लेना है। अगर आप इसकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको इससे हल्की फुल्की जलन महसूस हो सकती है, लेकिन आपने उसको थोड़ा बर्दाश्त करना है। और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो तो फिर आपने बिल्कुल भी इसको लगा नहीं रहने देना बल्कि आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वीडियोज आपके पास टाइम टाइम पहुँच रहे। और इसके साथ अगर आपने अपनी पिछली वीडियो नहीं देखी वो भी जरूर देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद।